भेड़ों में फ्लाई स्ट्राइक कितनी खतरनाक है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इससे जुड़ा एक खास विश्लेषण भी एक रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं। फ्लाई स्ट्राइक भेड़ों में होने वाली एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा बीमारी है। गर्मी के महीनों में होने वाली बारिश और बाढ़ से भेड़ों पर फ्लाई स्ट्राइक का खतरा बढ़ जाता है। भेड़ों की सभी नस्लें इस संक्रमण से प्रभावित हो सकती हैं। फ्लाई स्ट्राइक सीधे तौर पर कीड़ों का संक्रमण है। इस बीमारी में परजीवी मक्खियां गंदे ऊन या खुले घावों पर अंडे देती हैं। कीड़े भेड़ों के ऊन के नीचे दब जाते हैं और उनके शरीर को काटते हैं, जिससे तुरंत बड़े गहरे घाव हो जाते हैं, जिसके पश्चात अत्यधिक दर्द, संक्रमण और सबसे खराब स्थिति में भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। फ्लाई स्ट्राइक पशु के शरीर पर कहीं भी हो सकता है। फ्लाई स्ट्राइक वाले जानवर को दूर से पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इस बीमारी के कई लक्षण हैं, जैसे भेड़ों का सामान्य से अधिक लेटना, शरीर में जलन के कारण पशु द्वारा खुद को अपने शरीर को कुतरना, भेड़ों का दांत पीसना, अक्सर झुंड से दूर रहना, भेड़ों में बेचैनी और चारा न खाना, भेड़ के चारों पर मक्खियों का भिनभिनाना, कीड़े के काटने की वजह से ऊन का रंग गहरा होना, भेड़ के शरीर से गंध आना, असामान्य रूप से ऊन का गिरना। फ्लाई स्ट्राइक से पशुपालकों को बड़े स्तर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पशुपालक इसकी रोकथाम के लिए जरूरी जानकारी रखें। फ्लाई स्ट्राइक से बचाव: प्रभावित भेड़ को झुंड से अलग कर दें। पशु चिकित्सक की सलाह पर संक्रमित भेड़ का तुरंत उपचार करें। घाव पर नियंत्रण के लिए आपात कतरनी करें। मक्खियों की संख्या कम करने के लिए कटे हुए ऊन को हटा दें। झुंड के बाकी भेड़ों की भी जांच करें। प्रभावित भेड़ को चिन्हित करके रखें। भेड़ों के शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। फ्लाई स्ट्राइक से पशुओं को बचाने के लिए भेड़पालक अपने भेड़ों पर छोटी छोटी खरोंचों, कांटों या घावों पर नजर रखें, क्योंकि मक्खियां खून के प्रति बहुत आकर्षित होती हैं। कोई भी लक्षण दिखने पर पशु चिकित्सक की सहायता जरूर लें। मक्खियों से बचाव के लिए भेड़ आवास और चारे की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जाहिर है, अगर पशु स्वस्थ होंगे तो इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा और वो अपनी आय में वृद्धि भी कर पाएंगे।